हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो कोरोना वायरस फैला है, इससे सारी दुनिया परेशान है। तो अपने घर में रहकर प्रार्थना कीजिए कि ये जल्दी से जल्दी संकट की घड़ी दूर हो जाए। आज की मेरी वीडियो है कि हम घर बैठे अपने बच्चों में क्रिएटिविटी को कैसे डेवलप करें, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ये एक्टिविटी मैंने निशिका को भी नहीं दिखा रखी, आज मैंने इसको अपने संग बिठा लिया है, तो वो आपके सामने फर्स्ट टाइम ये एक्टिविटी करेगी। देखती हूँ कि उसको कितनी समझ आती है, इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। निशिका, इस टाइप की एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी। बिल्कुल सही। अभी मैं इसको जो चीज़ें दूंगी उससे ये क्या क्या चीज़ें बना सकती है, आज हमें ये देखना है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास टेबल पर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कटिंग करके रखी हुई हैं, और कटिंग में छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, पर मैंने कटिंग करके रखी हुई कुछ सामान रखा है, इसे उस सामान से अपने आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनानी है, जो भी इसको समझ आती है तो वो ये चीज़ें बनाएं। निशिका, आर यू रेडी? यस। अच्छा निशिका, सबसे पहले आप इसमें से क्या चीज़ बनाना पसंद करोगे? जो टेबल पर आपके पास चीज़ें रखी हैं उनमें से? यहाँ पे स्टिक्स रखी हैं और दो लीव्स रखी हैं और काफ़ी सारी शेप्स रखी हैं। तो स्टिक्स और लीव से मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इससे फ्लावर बना सकती हूँ। गुड, तो शुरू करो। कैसे बनाओगे? तो फ्लावर बनाने के लिए मैं यहाँ पर पहले सर्कल ले लूँगी और फिर इसका मैं एक शेप देखूँगी। ये वाली देखूँ, ये लगा के देखती हूँ, नहीं ये नहीं है। इन चारों में से मैं ये ट्राई करती हूँ। मैं देखूं सर, रेडी हो गया है। ओ वाओ, ग्रेट, बहुत अच्छा बनाया है। गुड, थैंक यू। निशिका, नेक्स्ट क्या समझ आ रहा है? नेक्स्ट मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ट्री की तरह है ये शेप, और इससे ये जो शेप है इससे मुझे समझ आ रहा है कि ये लीव्स इसमें लगेंगी और ये स्टिक भी लगेगी। ओके, और कुछ नहीं? और कुछ समझ नहीं आ रहा? चलो फिर बनाओ। ये लीफ किसी और जरूरत के लिए भी तो हो सकती थी। नहीं, लीफ तो ट्री पर होती हैं ना। मैंने ये स्टिक लगा दी है और ये ट्री अब रेडी है। ओके, इस ढंग से इसने ट्री बनाने की कोशिश की है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट क्या बनाओगे निशिका? नेक्स्ट है ये शेप, ये मुझे एक तो मून की तरह दिख रही है। okay. और ये एक बोट की तरह दिखती है, तो okay. चलो मैं ये बोट बना के देखती हूँ। देखो, ये बोट तैयार है। ओके, और ये जो पड़े हैं इसका यूज मुझे नहीं पता, नहीं समझ आ रहा। ओके, देखते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। गुड निशिका, ये कुछ पिक्चर्स ऐसे लीव्स की तरह कट की गई हैं, तो इनका यूज अभी नहीं हो पाया। तो चलिए, ये देखिए, निशिका ने बोट बनाई, फ्लावर बनाया और ये
ट्री बनाया। इस ढंग से हम बच्चों को अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। तो निशिका कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा, ठीक है, गुड। निशिका ये जो मेरे हाथ में शेप है, इससे आप क्या क्या बना सकते हो वो बताओ। इससे हम हट बना सकते हैं, हाउस बना सकते हैं। कैसे? इसको हम ऐसे रख के और इसके नीचे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, पेंसिल से आप ड्रॉ कर दोगे? हाँ। ओके। और इससे हम इस तरीके से माउंटेन्स भी बना सकते हैं, एक एक ऐसे करके जोड़ के। ओह वेरी गुड। इसको हम ऐसे लगा के और अपनी हम बीच में से रोड ड्रॉ कर सकते हैं। ओके गुड। इस बोर्ड को कैसे ड्राइंग में लोगे? इसमें हम नीचे वाटर बना देंगे। okay. और इसको कलर कर देंगे। किस कलर का होता है वाटर? ब्लू कलर का। वेरी गुड। निशिका कह रही है कि नीचे मैं वाटर का वो ब्लू कलर से बना दूंगी और ये बोर्ड का यूज़ ऐसे दिखा देंगे। तो इस ढंग से बच्चे अपना ब्रेन यूज़ करते हैं। मैंने इसको एक ही बार बताया था कि लीव्स कहाँ यूज़ होती हैं और ट्री में क्या चीज़ हो सकती है। मैं आपके पास सामान रख दूँगी, तो इसने उसी ढंग से उन चीज़ों को यूज़ किया है। तो ये देखिए, बाकी ये सब चीज़ें इसने खुद बताई हैं, ये भी इसने खुद बनाया है। ये सब बस मैंने इसको एक आइडिया दिया था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने, ना इसे बना कर दिखाया था। तो निशिका आपने बहुत अच्छा किया है। थैंक यू। और ऐसे आपको अब और एक्टिविटीज़ मिलेंगी। ठीक है? ठीक है। आपने देखा निशिका ने कैसे कैसे चीज़ें बनाई हैं, ट्री बनाया, उसमें लीव्स कैसे लगाई हैं, स्टिक कैसे लगाई है, बोर्ड बनाया। बोर्ड में भी आपने देखा कि किस ढंग से उसने यूज़ किया है। मैंने उससे कुछ सवाल पूछे थे तो उसने बताया था कि इसको किस किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे कि ऐसी पिक्चर्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ पे लगा सकते हैं अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम इनको अलग अलग एक्टिविटी देंगे। घर में ही छोटी छोटी कटिंग कर लीजिए, जैसे कि ट्राइंगल को हाफ कट कर लीजिए और उसका रख दीजिए, स्क्वेयर को कर लीजिए। इस टाइप से शेप्स भी पता चलेंगी। निशिका, इस तरह की एक्टिविटी आपने फर्स्ट टाइम की है तो आपको कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा था, और इससे ये भी पता चल रहा था कि शेप्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके गुड। ये एक्टिविटी स्पेशल नीड्स में छोटे बड़े सभी के लिए है, सभी एज ग्रुप के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई 18 अबव है तो ये एक्टिविटी वो स्पेशल नीड्स के बच्चे जल्दी जल्दी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। उनको भी सोचने समझने में देर लगती है, उनको समझाया जाता है, फिर हम ये एक्टिविटी करवाते हैं। अब जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे इससे कि भाई इस एक्टिविटी में इस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसने माउंटेन में यूज़ करा है। तो अच्छी बात है, इसने अपना एक तरीका बताया है, जो इसकी इमेजिनेशन है वो भी काम आए। अपने थॉट्स को इस तरह से एक्सप्लेन करना सीखें, तो ये ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी बहुत यूज़फुल है। तो हम अब यही कहेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।